गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक जॉब अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो 8 नवम्बर 2022 सेप्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 6 नवंबर 2022, 7 नवंबर 2022, Shift 1 Shift 2 के PYQ सॉल्व नहीं किए कंप्यूटर के, तो आप प्रीवियस वीडियो को वहाँ पे देखिए एंड देन ये क्वेश्चन सब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं आज कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्यूटर का, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर डिवाइस था? EDBAC था, या फिर ENIAC PC, या फिर क्या कॉलेशस? तो आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कॉलेशस। एक ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क सेवा प्रदान करता है ताकि ग्राहकों को अन्य नेटवर्क सेवाओं पर अप्रत्यक्ष नेटवर्क कनेक्शन बनाने की अनुमति मिल सके। खालिस्तान इज अ कंप्यूटर दैट ऑफर्स अ कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस टू अलाउ क्लाइंट टू मेक इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन टू अदर नेटवर्क सर्विस, सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, क्लाइंट या बैक पेज। तो आंसर क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खालिस्तान इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, किसी डिवाइस को सीधे अनुरोधित डेटा पर जंप की क्षमता प्रदान करता है। सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा, रैंडम एक्सेस, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिवाइस शेड्यूल एल्गोरिदम खालिस्तान पर आधारित होता है जो डिस्क आर्म को डिस्क सतह पर आगे और पीछे की ओर ले जाता है, जो इसके पथ में सभी अनुरोधों की सेवा करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट स्कैन, या फिर लेटेंसी टाइम। तो करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, स्कैन। कल्पना कीजिए कि उपयोगकर्ता के पास वर्क स्टेशन पर एक वर्ड दस्तावेज खुला है और वर्क स्टेशन स्कूल नेटवर्क से और इंटरनेट से अप्रत्याशित रूप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उपयोगकर्ताओं को अपना काम कहाँ संग्रहित करना चाहिए? Imagine that a user has a Word document open at a workstation and that workstation is unexpectedly disconnected from the school network and from the internet. Where should the user best save her work? USB key, P drive, H drive या S drive? तो option number C is the correct answer, क्या S drive। निम्न में से कौन सा नेटवर्क की भौतिक अवस्था को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क, डेटा फ्लो, मोड ऑफ ऑपरेशन, टोपोलॉजी, या फिर डाटा डायग्राम। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्या, टोपोलॉजी। जैक किल्वी निम्नलिखित में से किसका आविष्कारक है? कंप्यूटर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, माइक्रोप्रोसेसर का, या फिर ट्रांजिस्टर का? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ENIAC बिल्डरों में से एक है? चार्ल्स वेवे, जॉन पी एकर्ट, या फिर हरमन होलेरेथ, या जेम्स फावर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जॉन पी एकर्ट। BGA ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने की एक प्रणाली, इसमें ई अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? ऑडियो एरे, ऑथेंटिक, एक्सेसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्या, एरे। पंखा एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर या कंप्यूटर से वायु को प्रसारित करके संपूर्ण कंप्यूटर डिवाइस को ठंडा रखता है। एक पंखे की गति खालिस्तान में मापी जाती है। अ फैन इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कीप्स द ओवरऑल कंप्यूटर और अ कंप्यूटर डिवाइस कूल बाय सर्कुलेटिंग एयर टू और फ्रॉम द कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ अ फैन इज मेजर्ड इन रिवॉल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, रोटेशंस पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिवॉल्यूशन पर मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब सर्वर के बारे में सत्य नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो वेबसाइट चलाता है। इज अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट। इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेज एज दे आर रिक्विजिशंस। वेब सर्वर का मूल उद्देश्य यूजर्स तक वेब पेजों को स्टोर और प्रोसेस और डिलीवर करना।
प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ द डिटेल्स दैट विल सपोर्ट परचेज डिसीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, खरीदारी के निर्णय का समर्थन करने वाले सभी विवरण प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को दर्ज करने और अक्षरों को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस संशोधक की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट का, एफएन का, कंट्रोल का या फिर अल्ट का? तो हम किसका ए, शिफ्ट का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? की नोट है, वर्क है या फिर पेजेस है या फिर नंबर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द ए करेक्ट आंसर, की नोट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलप बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन? स्टार ऑफिस, अपाची ऑफिस, फ्री ऑफिस ऑफिस? तो ऑप्शन नंबर डी, लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस, आज हम लोगों ने 8 नवंबर 2022 सिफ्ट वन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसमें आप लोगों को डाउट आता तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।